तो ये हम ऊपर पहुंच गए टॉप पे ना। ये जो है ये सारा डैम एरिया है। तो यहाँ से हम लोग आए थे, यहाँ से ना zigzag करते हुए और नीचे जा रहे हैं। वो देखें वो समंदर है, वो देख रहे हैं वो कोस्टफ्रंट का फुजारा का बीच है, वहाँ शिपें भी दिख रही हैं। पता नहीं कैमरे में आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी। वो माउंटेंस है और एरिया है, ये सारा डैम का एरिया देखिए। ये भी हम नीचे जा रहे हैं होते हुए, यहाँ से स्टेयर्स बनाए हुए इन्होंने, इस साइड से होते हुए हम लोग नीचे जाते हैं। इस तरीके से स्टेयर्स बनाए उसके थ्रू हम नीचे जाते रहेंगे। ये देखेंगे करने का मतलब ये कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी अपनी फिटनेस टेस्ट करने के लिए ज़रूर आए हाइकिंग करने। तो ये है सारा, ये देखिए वो समय वो सारा डैम है, उसके पास ही हम वापस जाएंगे। और ये एक और ट्रैक बनाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो ये था बस, स्लोली स्लोली हम लोग उतर रहे हैं। तो अभी मैं नीचे उतरते हुए आपको बीच बीच में क्लिप बना बना के दिखाता रहूँगा, क्योंकि बेंचें लगाई हुई ना उन्होंने, जगह जगह पे बेंचें लगनी, तो इस वजह से मैं वो दिखाता रहूँगा। ठीक है, टाइम आ रहा सुबह से, तो 10,000 दफ़ा तूने बताया, कितनी दफ़ा बताएगा। ये छोटा लग रहा है लेकिन है बड़ा। ये अभी हम 20,000 फीट की बुलंदी पे आए हुए हैं। हमारे दानिश भाई है, चैंपियन है, ये हाइकिंग के मास्टर माने जाते हैं यूएई में। तो मैं भी इनकी अभी तरबियत में पल बढ़ रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता है हमारा प्रोग्राम डिसमिस हो जाएगा 1-2 महीने के बाद क्योंकि गर्मी आ जाएगी। बंद हो गई क्या स्क्रीन? चल रहा होता ऊपर बटन दबाएंगे बस। नीचे जा रहे हैं, नीचे की साइड, नीचे की साइड पर जा रहे हैं। ये सारा व्यू है, नीचे जाते इधर ये व्यू है। तो बस अभी अच्छा सफर रहा, ठीक है। उधर गए थे वो डंडा दिख रहा है, डंडा तो उसको पकड़ रहे थे। ये देखें वो बेंच ही बनाई हुई, वो देखें वो एक बेंच बनाई हुई है। तो ये सब नीचे zigzag करते हैं उन्होंने, हर कॉर्नर पे थोड़ा स्टॉप बनाया हुआ है, आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करें आराम से। अच्छा, नीचे जाते हुए तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, ऊपर आते हुए बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो इस तरीके से है ये। तो चलिए ठीक है, फिर मैं आगे फिर और क्लिप बना के आपको
टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ। देखें ये उतरते हुए, देखें व्यू, देखें आप डैम का व्यू है, देखें माउंटेंस हैं, इन्होंने कैसे क्रिएट कर दिया है ये व्यू ना, नेचुरल नहीं है लेकिन फिर इन्होंने देखें लग रहा है नेचुरल, नेचुरल है पूरा, डैम बना के उसमें कयाकियाँ शिपें छोड़ के एक हाइकिंग ट्रेल बना के और एक बेंच लगा के, देखें बेंच कैसे बनाई हुई उन्होंने, उस पर बैठ के बंदा आराम से रेस्ट करे और व्यू करे बैठ के, देखें ये बेंच देखें, इस पर यूँ करके आप बंदा बैठ जाइए, ये देखें यूँ करके बैठ जाइए, देखें व्यू देखें सारा व्यू, देखें पीछे से भी देखें ये बेंच के बंदा बैठा व्यू कर रहा, इसको थोड़ी देर लेट भी है, देखें लेट भी सकता है, लेट गया पहाड़ी अब इससे मिला लेट के व्यू को ये क्या कर रहा था ये हम नीचे आए जा रहे हैं करीब से करीब तर, ये डैम के करीब से करीब तर आ जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए घूमते हुए ऊपर गए थे, देखिए ये पूरा ऊपर ऊपर टॉप पे, और ये हम नीचे जाए जा रहे हैं, तो बस ये अरीफा डैम है और ये अरीफा हाइकिंग ट्रेल है, तो आप लोग आके यहाँ पे हाइकिंग करें, जो वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज हाइकिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, अपने लाइफस्टाइल में हाइकिंग को ज़रूर लाएं हैं, तो ये है सारा, देखें आप वो देखें वो बेंच बनाई हुई, आप बैठ के व्यू भी करें आराम से बैठ के, तो देखें सूरज भी जा रहा है नीचे नीचे, अभी कुछ टाइम बाद इन पहाड़ियों के नीचे गायब हो जाएगा, देख रहे हैं सूरज को, वो सूरज है, नहीं नहीं उंगली मेरी मुड़ गई, हम और करीब आ गए हैं डैम के, वहाँ ऊपर से पूरा घूम के ये जो है डैम के करीब आ गए हैं, ये जाते हुए भी दिखाया था अब वापसी में भी दिखा रहे हैं, ऊपर से कितना सा लग रहा था, इतना सा लग रहा था, अभी देखिए बड़ा हो गया डैम, और नीचे जाएंगे और बड़ा हो जाएगा, तो बस यही है ऊंचाई का, ऊंचाई में चीज़ें जो हैं ऊपर से छोटी लगने लग जाती हैं, और यही है बस, आपको दिख रहा होगा ये डैम पत्ते में बना रहे हैं वीडियो में, तो ये सारा डैम मुराद भाई का जूता भी फट गया है पत्थर ने, जूता भी फाड़ गया है, नाइक का ओरिजिनल शूज़ था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके शूज़ जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, उनके भी अच्छे क्वालिटी के थे, लेकिन अब पत्थर का कुछ पता नहीं चलता, पत्थर आके फट गया, पत्थर आके लगा तो जूता चूर गया है मुराद भाई, बस आज हमारा नुकसान कर देना है, हाँ ये भी एक बात सही है, बस आप एक काम करें सदका निकाल दें फौरन से, सही मेरे माइंड में पहले सबका निकाल दें, सबका कल निकाल दें, सब बलाओं का वो है, सब बलाओं से दूर रखते हैं, तो ये है देखें इस साइड पर आ गए, इस साइड वो है, बस मैंने लग रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी मैं यार दानिश, बस मैं फिर अभी तेरा मैं कैमरा तोड़ दूंगा, ओके ओके, की बात तू सजाद की तरह 10-10 दफा बता रहा है कि ये बेंच बैठने के लिए बना है
बस सही बात और नहीं। ये वाइट वाइट क्या है दानिश का? कहाँ पे? वो पहाड़ियों में थे। कहाँ पे? ये पता नहीं, चूना होगा। सुराख तो बने हुए हैं, ये बकरी की टट्टियाँ भी पड़ी हैं इसमें से। बकरी आई है यहाँ पे। ये डक्स है, अभी इनको हम पकड़ के फ्राई करेंगे। पूरा नीचे आ गए, अभी हम नीचे उतर गए। ये सुराग है मोटे मोटे, पता नहीं किस चीज़ के। देखे पानी का शेर आ रहा है, ये देखे पानी का शेर आ रहा है सारा। ये कह के चल रही है सारी रिफा डैम है, इसमें बत्तखें भी हैं, वो घूम रही बत्तखें। वो देखे सामने वाइट ब्लैक, ये हमारे दानिश भाई हैं, चैम्पियन है ये हाइकिंग के। हमारी तो टांगे कांपना शुरू हो गई है। नहीं, हमारी भी कांप रही है, बस चला।